हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टार्टअप्स में। और आज के इस वीडियो में हम रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में रिलीज होने वाली अब तक की सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ इस कॉप यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज की डिटेल भी आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो वीडियो की कम्प्लीट डिटेल के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इवर रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का आगाज सिंघम मूवी से हुआ है, जिसे डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। फिल्म की लीड कास्ट में अजय देवगन एज बाजीराव सिंघम दिखाई दिए थे और उनके साथ काजल अग्रवाल, प्रकाश राज और गोविंद नामदेव शामिल थे। और ये फिल्म 22 जुलाई 2011 को रिलीज हुई थी। सिंघम एक कॉप एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6.8 स्टार दिए गए थे। 41 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ 30 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 147 करोड़ 89 लाख और बॉक्स ऑफिस पर सिंघम एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और यूर कॉप यूनिवर्स की दूसरी मूवी का नाम है सिंघम रिटर्न। इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। फिल्म की लीड कास्ट में अजय देवगन एजा बाजीराव सिंघम के कैरेक्टर में दिखाई दिए थे और उनके साथ मेन लीड कैरेक्टर में करीना कपूर, सोनाली कुलकर्णी, अनुपम खेर, अमोल गुप्ते, विनीत शर्मा, जाकिर हुसैन, महेश मांजरेकर और गोविंद नामदेव शामिल थे। और यह फिल्म 15 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। सिंघम रिटर्न एक एक्शन कॉप क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 5.7 स्टार दिए गए थे। 105 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ 62 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 220 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस पर सिंघम रिटर्न्स एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। और रोहित शेट्टी की कॉप सीरीज की तीसरी मूवी का नाम है सिम्हा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। फिल्म में इस बार रणवीर सिंह ने इंस्पेक्टर संग्राम बाले राव सिम्बा का कैरेक्टर प्ले किया था और उनके साथ मेन लीड कैरेक्टर में सारा अली खान, सोनू सूद, आशुतोष राणा और सिद्धार्थ यादव शामिल थे। और इस फिल्म में अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम और अक्षय कुमार ने वीर सूर्यवंशी के कैरेक्टर में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। और ये फिल्म 28 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी। सिम्बा एक एक्शन कॉप क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ 31 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 400 करोड़ 19 लाख और बॉक्स ऑफिस पर सिम्बा एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और यह रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की चौथी मूवी का नाम है सूर्यवंशी। इसे भी रोहित शेट्टी ने खुद डायरेक्ट किया था। फिल्म की लीड कास्ट में इस बार अक्षय कुमार वीर सूर्यवंशी के कैरेक्टर में मेन लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई दिए थे और उनके साथ मेन कैरेक्टर में कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवेन बटीना, गुलशन ग्रोवर और जेकी श्रॉफ नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई दिए थे। और वीर सूर्यवंशी को सपोर्ट करने के लिए सूर्यवंशी मूवी में अजय देवगन बाजीराव सिंघम के कैरेक्टर में दिखाई दिए थे और साथ ही साथ रणवीर सिंह इंस्पेक्टर संग्राम बालेराव के कैरेक्टर में दिखाई दिए थे। और स्पेशल और जबरदस्त किस्म का कैरेक्टर इस फिल्म में इन दोनों ने प्ले किया था। सूर्यवंशी 5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी और ये भी एक फुल एक्शन कॉप क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे IMDb 10 में से 6.1 स्टार दिए गए थे। 165 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 196 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 294 करोड़ 17 लाख और बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और अक्षय कुमार की कॉप यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज में सबसे पहले आने वाली मूवी का नाम है सिंघम अगेन। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी। फिल्म की लीड कास्ट के लिए इस बार अजय देवगन के साथ दीपिका पादुकोण मेन लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगी। जैकी श्रॉफ हो सकता है कि नेगेटिव कैरेक्टर में आपको दिखाई दें और साथ ही साथ अक्षय कुमार और रणवीर सिंह इस फिल्म में कॉप यूनिवर्स को ज्वाइन करते हुए आप व्यूअर्स को दिखाई देंगे। सिंघम अगेन की बात करें तो ये भी एक फुल एक्शन कॉप क्राइम ड्रामा मूवी होने जा रही है और ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को थिएटर्स पर रिलीज के लिए अभी से प्लान कर दी गई है। और यूर रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में इंडियन पुलिस फोर्स का भी इजाफा हो रहा है। ये फिल्म नहीं बल्कि एक वेब सीरीज है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुशवंत प्रकाश और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रोहित शेट्टी और साथ ही साथ डायरेक्शन में भी कुछ हेल्प कर रहे हैं। और इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबराय पुलिस कॉप्स के कैरेक्टर्स में आप व्यूअर्स को दिखाई देंगे। और कहा जा रहा है कि अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार भी इस वेब सीरीज में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। और ये वेब सीरीज 8 एपिसोड पर मुश्तमिल होगी और ये वेब सीरीज आपको Amazon Prime Video के जरिए 2023 में आपको देखने को मिलेगी और ये भी एक एक्शन थ्रिल कॉप ड्रामा वेब सीरीज होने जा रही है।
तो ये और ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रोहित शेट्टी की कॉप सीरीज के लिए सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर की और साथ ही साथ कॉप सीरीज की अपकमिंग मूवी और वेब सीरीज की डिटेल भी आप व्यूअर्स को प्रोवाइड की है। तो रोहित शेट्टी की इस कॉप सीरीज में आपको कौन सा करेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है, अजय देवगन का एज अ बाजीराव सिंघम या रणवीर सिंह का संग्राम बालेराव सिम्बा, और या आपको अक्षय कुमार का वीर सूर्यवंशी का करेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? कॉमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट करेक्टर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारी आज का वीडियो किस गली, किस शहर और किस देश से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने शहर और अपने देश का नाम भी जरूर मेंशन कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारे आज का वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मैसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल मैसान स्टार्टर्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप हमारी आज का वीडियो किस शहर, किस देश से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें यह जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे ये वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया।